मंत्री सत्यानंद भोक्ता पहुंचे चतरा। कान्हा चट्टी प्रखंड में 6 करोड़ की लागत से आधा दर्जन योजनाओं का किया शिलान्यास। मिलजुल कर करेंगे क्षेत्र का विकास। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता एक दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कान्हा चट्टी प्रखंड के विभिन्न पंचायत में आधा दर्जन योजनाओं का शिलान्यास किया। मंत्री के साथ सांसद प्रतिनिधि निर्भय कुमार ठाकुर के अलावा कई पंचायत के मुखिया मौजूद थे। मंत्री ने कहा कि चतरा जिले में तेजी से विकास कार्य हो रहा है, यही कारण है कि आज विभिन्न गाँव में DMFT की राशि लगभग 6 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया। मंत्री ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए वे कटिबद्ध हैं। मार्च तक छूटे हुए पंचायतों का विकास कार्य किया जाएगा। सांसद प्रतिनिधि निर्भय ठाकुर ने कहा कि मंत्री सत्यानंद भोक्ता और सांसद सुनील कुमार सिंह के प्रयास का ही देन है कि आज पूरे जिले में विकास कार्य तीव्र गति से हो रहा है। मंच के माध्यम से विरोध में नहीं है तो बात रखना, पहले हम बात तो रखेंगे। पूरा बात सुनिए, हम क्या बोले आपसे बात में। उसमें आपको साधारण आमंत्रण सभी को करना है, जो भी मेरे पास चिट्ठी है, मेरे पास चिट्ठी है, आपने कितना देना उचित समझा? क्या हम लोग पंचायती करने के लिए खाली बने हैं मुख्य जनप्रतिनिधि? अगर जो है ना अभी जो भी क्या ऐसा कोई प्रोटोकॉल है कि वहाँ प्रतिनिधि पंचायत प्रतिनिधि? यहाँ तो हम लोग को खर्चुआ बुझ लिया गया है सर, अफसरों के द्वारा खर्चुआ, जानते हैं जहाँ जाता है सब साग को गला देता है, सब खर्चुआ सब साग को गलाता है। लगभग 8 करोड़ का होगा। ये पूरे जिला में विकास का बिहार है और जिला के विकास के लिए माननीय सांसद महोदय और माननीय विधायक सिमरिया, हम लोग संयुक्त रूप से जिला में कौन सा काम होना चाहिए, प्राथमिकता कौन योजना का होगा वो तय करके और हर एक पंचायत में कहीं 1 करोड़ कहीं 2 करोड़ लगा से जो जरूरत है, कहीं PCC है, कहीं गली है, कहीं नली है, कहीं भवन है, हम लोग विकास के लिए पूरा गंगा बहाए हुए हैं और ये 31 मार्च के अंदर जो शेष बचे काम है हम प्रयास करेंगे कि जो गांव जो पंचायत वंचित है वहां तक विकास पहुंचे। जिला के विकास के लिए कृत संकल्पित है और सभी प्रखंड में विभिन्न प्रकार की योजनाएं, चाहे वो रोड हो, पंचायत में स्कूल का कार्य हो, आंगनबाड़ी का कार्य हो, मैंने अन्य सभी तरह की योजनाएं विभिन्न मदों से चल रही है। आज हम सब बहुत ही गौरवान्वित है कि चतरा जिला अन्य जिलों की अपेक्षा में काफ़ी तेजी से विकास कर रहा है। माननीय सांसद और अपने आदरणीय मंत्री जी का इसमें बहुत बहुत ही योगदान रहा है। हम पूरे चतरा जिला की जनता की ओर से माननीय मंत्री जी और माननीय सांसद जी का आभार व्यक्त करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से माननीय मंत्री जी और माननीय सांसद जी का सहयोग मिलते रहेगा और हमारा जिला नित्य इसी तरह से आगे बढ़ते रहेगा। बहुत आप बताइएगा मंत्री जी के सामने गार्जियन है, सूचना देना उचित समझे?
जानकारी का पूरे पता चल गया पूरे जिला में जो विधानसभा में कहीं प्रोग्राम हो तो जो जनप्रतिनिधि मुखिया है समिति है जिला प्रशासन सर जब इनसे आपके फोन पे बात की तो हम लोग को संविधान सिखाते हैं तो यही साहब आपको पता होना चाहिए कि पढ़ लिख के हम लोग भी आए हैं और हम लोग भी जनता का बहुमूल्य वोट से जीत के आते हैं और आपसे रात में बात कर रहे थे आपका बात करने का लहजा चुके हैं मुखिया सर्वोपरि हो गया इसके अलावा मान लीजिए अगल बगल गांव के कोई समाजसेवी है कोई भी कोई पार्टी में है दस बीस लोग स्पष्ट करने की किसी को सूचना दिए हैं वहाँ पर आठ पंचायत के मुखिया मौजूद है यहाँ पे सर हम दिखाएंगे सर मेरे पास चिट्ठी है अगर कुछ आपको साधारण मंत्री जी को करना है जो भी मेरे पास चिट्ठी है नहीं नहीं आमंत्रण वाला चिट्ठी मेरे पास चिट्ठी है आपने कितना देना उधर समझा नहीं नहीं क्या हम पंचायती करने के लिए खाली बने हैं चल रहा है रास्ता जो है ना तो भी आप है जो पांच जो है जो भी ऐसा कोई प्रोटोकॉल है कि वहां पर जो जाना है पंचायत प्रतिनिधि का नाम नहीं हो मतलब बोर्ड में मतलब हां पर है आरजीओ के रोल रहे कौन ना रहे को भी काम रहे यहाँ तो हम लोग खर्चुआ बुझ लिया गया है सर अफसरों के द्वारा खर्चुआ जानते हैं जहाँ जाता है सब साग को गला देता है गलती मान ली सब खर्चुआ सब साग को गलाता है।